पहला दिन और अब दसवां दिन, 9 दिन लग गए दूसरा चिकन डिनर निकालने में, क्या हो गया भाई? पता नहीं यार, थोड़ा मोमेंटम नहीं मिल रहा था आज BGS में, मोमेंटम मिल गया मेरे को नहीं मिला, मेरी टीम को तो डेफिनेटली मिल गया, तो चिकन और एक आ गया। फर्स्ट मैच चिकन था, अब ये लास्ट मैच चिकन है। अच्छा, ये कुछ स्ट्रैटेजीज जो हैं तुम लोगों ने अपनाई हैं, कोई स्ट्रैटेजी थी अक्षत को भी मतलब बेंच करने की? नो, ऐसा नहीं, हम लोग रोटेशन पे खेलते हैं, ऐसा बेंच वेंच नहीं करते, रोटेशन पे खेलते रहते हैं। जो मतलब उस दिन टीम अच्छा खेली तो उस पूरा दिन वही टीम खेलेगी, बेंच होते रहते हैं ऐसा रोटेशन। भाई मैं जब से स्टेज पे आया हूँ ना, तब से मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम लोगों का नाम जो है वो बिल्कुल फेवरेट्स की लिस्ट में है। अब जब पहले दिन तुमने चिकन डिनर जीत लिया था, आई एम श्योर यू वुड हैव गॉन बैक टू योर होटल, यू वुड हैव बीन रियली रियली हैप्पी, वो कॉन्फिडेंस हुआ होगा। लेकिन कहते हैं कि एक टीम की जो असली कैरेक्टर है वो तब दिखती है व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट। क्या बातचीत हुई इन द लास्ट वीक? मतलब बातचीत तो ऐसे कुछ नहीं, पर वही था कि मार के खेलना है और अपना नॉर्मल गेम खेलना है। चिकन के लिए पोजीशन ली और वो चिकन के लिए टारगेट करा और चिकन मारा। पहला मेजर लैन इवेंट, वो फीलिंग कैसी है नोइंग दैट यू आर प्लेइंग विद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम्स? मतलब पहले फर्स्ट मैच में थोड़ा नर्वस था, पर अब थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। अब सो भाई, एक और आदत जो टूट गई थी वो ये थी कि तुम्हारा नाम जो है वो MVP की रेस में हमेशा दिख जाता था, वो जो फैंस हैं तुम्हारे उनको ये आदत वापस कब लगेगी? लग जाएगी धीरे, थोड़ा टाइम रुको, थोड़ा टाइम बाद में सिर्फ फर्स्ट पे दिखूंगा, टेंशन मत लो, टीम भी फर्स्ट पे दिखेगी। ये हुई ना चैंपियन वाली बात।